हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और आज आपके साथ यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार खबर लेके यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवीएस एग्जाम्स काफी दिनों पहले हो गए थे, बट उसके इंटरव्यू कॉल के लिए, उसके रिजल्ट के लिए हम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे। काफी कंफ्यूजन क्रिएट है कट ऑफ को लेके एंड एवरीथिंग, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो, क्योंकि अब इन्होंने लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है, रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर दिया है और धीमे धीमे इंटरव्यू कॉल्स भी आने लगे हैं। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीआरटी म्यूजिक के लिए जो केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसके लिए यहाँ पे जो एग्जाम हो चुका था वो 9 फेब को हुआ था। ओके, अब उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया गया है वो 1 मई से 4 मई के बीच में है। ओके, और मैं आपको अगर यहाँ पे वेन्यू के बारे में बता दूं, द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू विल बी केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ओके, तो वेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे कोलकाता सेंटर गया है लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे सबके लिए लिस्ट भी बताएगी कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया ओवरऑल। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो केवीएस पीआरटी म्यूजिक के लिए जो ओवरऑल जो पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे थी वो थी आपकी 303। ओके, इतनी वैकेंसी थी आपकी पीआरटी म्यूजिक के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए हैं ओवरऑल। ओके, सो यस, हियर यू कैन सी द लिस्ट ओवरऑल। तो ये है सबकी लिस्ट जिसे यहाँ पे कॉल आई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एवरीवन। सो हियर यू कैन सी ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं आपको कैंडिडेट्स दिखाऊं तो कुछ 800 नंबर करके थे। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। मैं आपको पूरी पूरी लिस्ट अगर यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो लास्ट में हम देखते हैं, ये देखिए 969 लोगों को यहाँ पे कॉल आई है ओवरऑल। ठीक है, तो इतने लोगों की लिस्ट जनरेट हुई है और लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स आपको मेंशन की गई है। उस डेट को आपको वेन्यू पे प्रेजेंट रहना है। ठीक है, जहां भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कोलकाता में। ओके, सो अभी भी आपके पास काफी टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो, बट आप लग जाना है एकदम, है ना। अब आपको इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना है, अब आपको अच्छे से लग जाना है। सिमिलरली जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, केवीएस पीआरटी म्यूजिक क्या है, रिमेंबर पीआरटी की नहीं है, पीआरटी म्यूजिक पोस्ट किया है। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं जो कि है यहाँ पे केवीएस की जो प्रिंसिपल की पोस्ट थी, जिसमें इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी डिक्लेयर की थी 239। इतनी वैकेंसी डिक्लेयर की थी, उसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं यहाँ पे उनके लिए क्या रखा गया है। तो इनका एग्जाम हुआ था 8 फेब को। ओके, और यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है 1 मई टू 27 जून तक ये इंटरव्यू जाएगा। सो हियर यू कैन सी ना कितनी लंबी कितनी लंबी लिस्ट लिख ली होगी। इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी लोगों को यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। एंड हियर यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे जो इनका वेन्यू है ऑफ इंटरव्यू विल बी केवीएस न्यू दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है वहां पे बुलाया गया है। ओके, अब आइए हम इसका लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं। ओके, हाँ जी, देखो पीआरटी के लिए आपको ये लिस्ट दिख रही होगी। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए हमने वैकेंसी देखी ना 239। ओके, 239 इज द वैकेंसी। नाउ लेट्स सी कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल आएगी। यस, तो 784 कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। ओके, एंड हियर यू कैन सी ये 27 जून तक ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं पूरे प्रॉपर। ओके, सो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमें जल्दी केवीएस पीआरटी का भी रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और इंटरव्यू कॉल आएगी। ओके, सो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से मई जून तक। बहुत ही मुश्किल है कि अप्रैल में आए, बिकॉज अप्रैल में अगर ये लिस्ट दे रहे हैं तो इन्होंने काफी टाइम दे दिया है ना, गैप आपको प्रॉपर दे दिया फॉर द प्रिपरेशन। तो अभी भी हम सबको लग जाना है प्रॉपरली साथ साथ। ओके, सो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड यस, अभी से आपको यहाँ पे ओके जुट जाना है, लग जाना है। और जैसे कि कल मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि हम एक प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं केवीएस के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम जो आपके टेक्स्ट बुक होते हैं एनसीईआरटी, उससे हम डीपली पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम डेमो में कैसे उसका यूज कर सकते हैं। ओके, साथ साथ मैं आपको बुक्स के थोड़े आइडिया कि जो भी एनसीईआरटी में, साथ साथ हम लोग देखेंगे कि डेमो के क्या क्या आप इनोवेटिव आइडियाज खुद से निकाल सकते हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल था। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच एंड यस, कीप कनेक्टिंग हियर अगर आपको और ऐसे अपडेट चाहिए हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।